हेलो भाई, उंगली दिखा रही है। तुम लोग ही मेरे पीछे पीछे कट मार के आ रहे थे, बार बार कट मार के आ रहे थे। यार यार, इसने भी देखा, मैंने भी देखा। यार आपने देखी है, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है ना। आगे 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 आगे, आगे। क्या हो गया आपको? आप लोग की वजह से गिरी हूं मैं। अरे हमारी वजह से क्यों गिरे आप? ओह, आराम से आराम से। आगे से ध्यान रखना, ऐसी कोई लड़की के पीछे नहीं चला करो। आपको पता है आपकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैं लगा कोई लड़की राइड कर रही है, हम साथ देखते हैं जरा कौन है और क्या। हम लोग को लड़की देखना नहीं होता, उनके पीछे पीछे आने स्टार्ट कर देते। गजब बेइज्जती है। वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। कल तुम सब का हो, तुम सब बढ़िया ही हो गए यार। एंड गाइस, तुम सबको बता दूं यार, आज फाइनली वो दिन है जब हमारा भाई बाइक ले रहा है। पता है जब बंदा अपनी मेहनत से कोई चीज़ देता है ना, तो उसमें कितनी ज़्यादा खुशी होती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है, एंड भाई का तो तुम्हें पता चल ही जाएगा आगे ब्लॉग में यार। एंड उसी के साथ तुम सबको अपने चैनल का अपडेट भी दे दूँ। मैंने दो दिन से कोई इस चैनल पर मैंने दो दिन से कोई भी ब्लॉग पोस्ट नहीं किया है, बिकॉज मैं अपने पुराने चैनल को वापस लाने में मतलब थोड़ा सा बिजी था यार। अभी तक तो कोई भी अपडेट नहीं आया। मैं उसमें लगा हुआ हूँ गाइस, फुल तरीके से लगा हुआ हूँ। बिल्कुल, मैंने इतने सारे, कसम से बता रहा हूँ, इतनी सारी रिक्वेस्ट डाल दी हुई यूट्यूब पे, गूगल पे, हर एक जगह पे इतनी रिक्वेस्ट डाल दी हुई है। तो अभी ना मेरा प्रोसेसिंग में ही चल रहा है, मतलब अंडर प्रोसेस ही है मेरा सारा काम। तो देखते हैं गाइज, अब कितना टाइम लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो गाइज ऊपर वाले के हवाले है यार। क्या बोल सकते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिसने भी ये सीन किया है ना गाइज, कसम से एक बार मेरे को पता चल जाएगा ना, सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता है मैं क्या करूँगा, बट बहुत गलत होगा। बिकॉज यार मैंने इतनी मेहनत करी हुई ना इस चैनल पर यार, इतनी ज़्यादा मेहनत करी ना, तुम सोच भी नहीं सकते। चैनल पर मेरी जर्नी के साथ थे, तुम सबको पता ही हुआ कि कितनी मेहनत करी है यार, कितने बार टूटे, कितनी बार गिरे, मतलब इतनी सब चीज़ के बाद भी फिर ये सब होता ना, तो मतलब बहुत गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है यार। बट चलो जो भी है, देख लेंगे यार, शायद कुछ दिन और लगे वापस आने में। चलो मतलब होप है मेरे को कि वापस आ जाएगा यार। बाकी नो वरीज, अभी चलते हैं, फिलहाल हम डिलीवरी लेने बाइक की, ठीक है। तो तुम्हें मैंने कमेंट करने को बोला था गाइस, कमेंट करो तो तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर भी देने वाला हूँ। नेक्स्ट व्लॉग से हम वो स्टार्ट कर देंगे फाइनली, ठीक है। और अब से मैं डेली व्लॉग करूँगा, बिकॉज दो दिन का मैंने गैप ले लिया, बिकॉज इसी इशू को रिजॉल्व कर रहा था। होप गाइज, मेरे को काफ़ी बंदे पूछ भी रहे थे, तो मैंने सोचा आप सबको अपडेट दे दूँ। बाकी गाइज, आप व्लॉग को एंजॉय करो, ठीक है। कमेंट जरूर से कर देना ड्रॉप, एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर से करना। वेल गाइज, आप सबको बता दूं, निकल चुके हैं आज फाइनली। एंड तुम्हें जैसा पता है कि आज हमारी बाइक की डिलीवरी, कल हमने बुकिंग करवा दी थी, एंड हमें आज बाइक मिलने वाली है। एंड आज तुम्हें पता चल जाएगा कि बाइक कौन सी होने वाली है। अभी गाइज फिलहाल हम शोरूम की ओर ही चल रहे हैं यहाँ से। वेल गाइज, आज तो वही भी कुछ और, बिकॉज यार तुम सबको पता ही है यार, तुम सबने भी एक्सपीरियंस किया ही होगा यार, जब आप अपनी फर्स्ट बाइक लेते हो यार, अपनी मेहनत से, अपने कमाए हुए पैसों से, तो भाई कितना मतलब फीलिंग ही कुछ अलग रहती है ना। वही आज मेरे भाई की भी फीलिंग होगी यार, और बहुत कांग्रेचुलेशन है यार, बहुत ज्यादा मेहनत की है भाई, और आज फाइनली बाइक भी ले रहा है। सब यार कांग्रेचुलेशन जरूर से कर देना। फाइनली पहुंच चुके हैं यामा के शोरूम में, देखो अपनी बाइक्स वगैरह पार्क कर ली, एक दो तीन, अभी एक और बाइक ऐड होने वाली है। मैंने तुम्हें कहा था कमेंट करके बताना, बहुत सारे लोगों ने सही गैस किया और बहुत सारे लोगों ने गलत गैस किया, तो चलो अभी लेते हैं डिलीवरी गाइस। फाइनली पहुंच चुके हैं शोरूम में, तुम्हें बता दें दो घंटे हुए हैं वेट करते करते, अभी तक हमारा बाइक नहीं मिल रही हमको यार। आई डोंट नो, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कल ही हमारा सारा प्रोसीजर हो गया था, बट फिर भी इतना ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, आई डोंट नो क्यों लगा रहे हैं। और बस इनके पास कपड़ा भी नहीं, हमने बोला डिलीवरी लेनी है, मतलब हमने वीडियो वगैरह बनाना है, तो कपड़ा तो रख दो एटलीस्ट, बोलते कपड़ा कहाँ से लाए हम। अभी किसी तरह हमको बाइक मिल जाए, यहाँ पे लगी हुई थी बाइक, अभी उसको ले गए हुए अंदर, तो उसको लाइक कर रहे हैं, वो जो PDI होती है वो कर रहे हैं। अभी बाहर आएगी तो हम भी PDI करेंगे, एंड टेस्ट राइड लेंगे एक, उसके बाद फिर गाइस डिलीवरी लेते हैं। तो समझो आधा घंटा आई थिंक और लगेगा, नंबर प्लेट वगैरह लग रही है बाइक पे, तो ये सब होता है, देन उसके बाद निकलते हैं। आगे 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 आगे, आगे, आगे। पहले देख लो बाइक आ चुकी है, वॉश होके भी अच्छे से, नंबर लग गया। हाँ गाइज, ये देख लो नंबर भी लग गया। अभी गाइज ये S वाला मॉडल है, अभी तुम्हें इसकी हम टेस्ट राइड भी बताएंगे लेके, अब निकलते हैं, पहले डिलीवरी लेते हैं इसका। ये देख लो, अभी इसमें पेट्रोल डाल के दिया, नहीं दिया वो देखने दो गाइज। A few moments later. ये देख लो गाइस, क्या कर रहे हैं साहिल भैया, क्या कर रहे हो? मैं थोड़ा डिजाइन कश्मीर की वादियों में अभी भी तो चलो गाइस निकलते हैं अभी यहाँ से, ठीक है। बाइक वहाँ पे है, तो ये बोल रहा है कि भाई बाइक तू चला ले, मैं अभी चला लेता हूँ और अपनी बाइक इनको दे देता हूँ। बाकी ये देख लो गाइस डेडपूल, यही गाइस हमारी बाइक, तुम्हें आगे चल के सारा दिखाएंगे। ये एक्चुअली S वाला वेरियंट है, तो इसको तुम्हें सबसे पहला स्टार्ट करके बताते गाइस ऐसे, और पहला स्टार्ट इसका क्या बात है गाइस, वेरी नाइस। अभी थोड़ा आराम से चलाना पड़ेगा, बिकॉज यार इस पर पॉलिश वगैरह लगी हुई है अभी। एंड ये देख लो क्या किया इधर, गाइस इसको निकालते हैं बाइक को यहाँ से। आए यार, न्यू बाइक को चलाने का फील ना कसम से नेक्स्ट लेवल होता है। तो गाइस अब यहाँ से डायरेक्ट सिद्रा की ओर निकलते हैं, डिलीवरी हमने ले ली है सक्सेसफुली गाइस,
बहुत ज्यादा टाइम लगाया गाइस इन्होंने, बहुत ही ज्यादा टाइम लगा। अभी यहाँ से हमने डायरेक्ट सिद्रा जाना है, तुम्हें क्या बताऊँ यार, क्या ही स्मूथ हैंडलिंग है, क्या ही स्मूथ हर चीज जा रही है। अभी ये देखो भाई, तुम सबको मानना पड़ेगा न्यू बाइक का तो फील ही अलग होता है। बट ना अभी इसको मैं भगा भी नहीं रहा हूँ ना, बिकॉज भगाएंगे अगर इसको तो भाई तुम्हें पता है फर्स्ट सर्विस तक थोड़ा इसको ना जितना प्यार से चलाओ उतनी ज्यादा अच्छी लाइफ रहती है बाइक की यार। ये रही गाइस अपनी ब्रांड न्यू R15 S वर्जन है, ये देख लो S वर्जन है। तो चलो अभी दे देते हैं भाई को यार, अब चलाएगा ये, देखो अभी गंदी हो रखी है, अभी धुला के लाई थी और अभी गंदी हो गया। चलाओ भाई अब आप अपनी बाइक, हम अपनी बाइक चलाएंगे एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, इसको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर दो। चल भाई आराम आराम से चलाना, अभी टायर्स बहुत वो है, ट करके बताना कैसी लग रही है यार। रोड प्रेजेंस तो इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है यार। देखो अभी फर्स्ट राइड पे निकल रहे हैं, चले चलो गाइस अभी फर्स्ट राइड पे निकले, अभी चलो लेट्स गो गाइस, मस्ती राइड करते हैं गाइस आज। भाई वो देख लड़की बाइक चला रही है, लड़की बाइक चला रही है, आ जा भाई। ये देखो गाइस लड़की बाइक चला रही है, मैंने पीछे से देखा यार, पीछे से देख रहा था, लड़की बाइक चला रही है, देख रहा है क्या बात है गाइस यार, देख रहे हो तुम गाइस, बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई लड़की बाइक चला रही हो यार। ये देखो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ दिखाने की यार। हेलो भाई, ये उंगली दिखा रही है भाई, मैं हेलो कर रही है, ये उंगली दिखा रही है भाई, भाई देखो ये क्या चक्कर है। क्या हो गया, कुछ नहीं, हमको क्या होगा, क्या बोल रही है, मैंने बोला क्या हो गया, बोल रहे हो आप, कुछ नहीं आपको क्या हुआ, पीछे क्यों चल रहे हो। क्या हो गया यार, ये कौन सी भाई बात होगी कि लड़की को बाइक चलाते देखा नहीं तो डायल मार, भाई बोरी लड़की को बाइक चलाते देखा नहीं, डायल मारने आ गए तुम यार, मैं तो नॉर्मल देख रहा था यार। अरे क्या हो गया, प्रॉब्लम है क्या कुछ है? नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे आपके पास कहाँ आ रहे हैं भाई, उंगली दिखा रही है यार, रुका के पूछना पड़ेगा यार, इधर आ भाई, रुका के पूछना पड़ेगा क्या सीन है। हेलो रुक जाओ, पीछा नहीं कर रहे, रुको तो एक सेकंड, रुको रुको। 2000 years later. ये अंदर गई, आ जा। कहां गई, ओ शिट, अबे ये गिर गई है, गिर गई है यार, उठा उठा, क्या हो गया आपको, आप लोगों की वजह से ही गिरी हूं मैं। अरे हमारी वजह से क्यों गिरे आप, ओ, ओ, ओ आराम से आराम से, क्या हो गया आपको, गिरे क्या हो गया, क्या हुआ, आप लोगों की वजह से गिरी हूं, आप लोग ने मेरे को परेशान कर दिया था मेरे पीछे आके। यार परेशान नहीं कर रहे थे आप, मिडिल फिंगर दिखा रहे थे, हम वही पूछ रहे, मैंने फिंगर कब दिखाया आप लोगों को, मिडिल फिंगर यार, इस नहीं दिखाई थी, मेरा फिंगर हाथ है यार, यार ये इसने भी देखा, मैं यार इसने भी देखा, मैंने भी देखा यार, आपने देखी है, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है ना, रिकॉर्डिंग क्या करो, मैंने कोई मिडिल फिंगर नहीं दिखाया आपको, रुको मैं रिकॉर्डिंग, बात में मत पूछो, बोलो भाई यार, अब हमें लगा यार मेरे पीछे भी चार थे और मेरे मेरे कोई ऊपर, अरे हम पीछे नहीं आ रहे थे, हमें लगा कोई लड़की राइड कर, रोड का भी नहीं पता था, मैं इधर आके इतने जोर से यार मेरा पांव, यार मेरे को लगा आप नॉर्मल मिडिल फिंगर दिखा रहे हो यार, क्लिप मैंने नहीं दिखाया मिडिल फिंगर यार, हम जैसे आए हैं ना, हां मैंने खुद देखा है, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ यार, हमारा मैं बोल रहा हूँ कर रहा, हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था यार, हमें लगा कोई लड़की राइड कर रही है, हम साथ देखते हैं जरा कौन है और क्या, अरे यार वो बात ही नहीं है यार, हमें लगा आप ऐसे कर रहे हो, तभी तो हम आपको पूछ रहे थे, आपको लगी क्या ज्यादा, बाइक को तो नहीं लगी आपकी, यार हमको तो वही लगा, मैंने तो देखा भी यार, अरे कर लो अगर वो नहीं लो, आप कर लो चेक, कर लो अच्छे से चेक कर लो फिर बोल, नहीं भाई ऐसे किया है यार, ऐसे किया है यार, हमें लगा यार, मुझे लगा ऐसे किया, मुझे भी वही लगा भाई, बिल्कुल ऐसे किया है, देखो दिखा ना तुमको अच्छे से, यार आपको लगी तो नहीं, यार लगी है इसको, यार हमारा इंटेंशन वैसा नहीं था यार, आपको लगे यार, अरे नहीं यार हमें लगा कोई लड़की राइड कर रही है, हम बस देख रहे थे यार, मैं आपको मिडिल फिंगर क्यों दिखाऊंगी यार, हमें लगा तभी तो मैंने पूछा आपको कि आप क्या बोल रहे हो, हो गया ना क्लियर, दिखा ना आपने,
चलो सॉरी यार हमारी तरफ से, हमें पता नहीं था यार, सीरियसली हमें लगा आप मिडिल फिंगर दिखा रहे हो यार। आगे से ध्यान रखना, ऐसी कोई लड़की के पीछे नहीं चला करो, आपको पता है आपकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया है। अरे यार लगी हो आपको तो चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं, हमें सेम हमारा वैसा इंटेंशन नहीं था यार, टूटा तो नहीं है कुछ, ठीक करा देंगे। नहीं यार देख लो एक बार अच्छे से, आप भी राइड वगैरह करते हो क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं होता, आप लोकल हो यहाँ के? आप कहाँ रहते हो, यहीं रहते हो क्या? नेपाल में रहती हूँ मैं, मतलब राइड वगैरह करती हूँ। अच्छा आप वहाँ से, ओके ओके ओके, तो बाइक ही चलाते रहते हो ना आप? क्या बात, नेपाल से बाइक पे आते हो आप? हाँ बीच बीच। ये तो सही है यार, तो व्लॉग्स वगैरह बनाते हो क्या? तो हमें भी ज्वाइन करो कभी। पर मुझे ये नहीं करना जो अभी आप लोग ने किया। अरे नहीं यार हमको पता नहीं था सीरियसली यार, बट हमें लगा यार सही में हमें ऐसा लगा कि है आपको पैर में लग गई है ना यार, चलो आपको लेके चलते हैं यहीं पे। अच्छा आपका एक्सीडेंट हुआ पहले भी? ओ यार अच्छा अच्छा ओके, वही तो मैं सोच रहा था यार, आपको पहले भी लगी है बाइक से? ये जो फेस पे लगी हुई है ये भी इसी से लगी है? मेरा ये पूरा वो हो गया था, कट गया था। कितना गंदा भाई, फिर भी आप बाइक चला रहे हो, आपकी मानना पड़ेगा, दाद देनी पड़ेगी आपको यार। पक्का कोई इशू तो नहीं है कि हम व्लॉग वगैरह बना रहे हैं तो? अपने चैनल का नाम बताओ, है आपके चैनल का नाम क्या? तन्नू व्लॉग्स। चलो यार गाइस सब्सक्राइब कर देना जरूर से जाके यार, ये भी राइड करते हैं। और देखो एक्सीडेंट हो गया, ये देखो फेस पे कितनी ज्यादा लगी हुई है, फिर भी राइड कर रहे हैं यार। ये देखो यहाँ पे भी लगी हुई है, अरे बाप रे यार, यार फिर भी आप राइड कर रहे हो ना, वो आपकी हिम्मत है यार, डेडिकेशन बोलते हैं इसको, राइडिंग के लिए और बाइक के लिए यार, कसम से बता रहा हूँ। हाँ हम भी राइड कर, एक्चुअली मैंने आपको पीछे देखा ना, मुझे लगा कोई लड़की राइड कर रही है, तो हम वही देख रहे थे कि क्या है कौन है, मैं तो जस्ट नॉर्मल अप्रोच। अरे होता है ना कि एक लड़की बाइक चला, लड़के लोग तो वैसे भी मतलब लड़की को इतना घूर घूर के देखते हैं, गजब बेइज्जती है। नहीं यार हम तो, मैं तो नॉर्मल अप्रोच कर रहा था, मैंने तो आपको हाय किया यार, आपने ऐसे किया, मुझे लगा आप ऐसे कर रहे हो, तो मैं थोड़ा अच्छा। चलो यार कोई नहीं, चलो आपको लेके चलेंगे बाहर इधर से, अगर दिक्कत तो नहीं, आपको पैर पे लगी है शायद, निकाल लोगे? चलो ठीक है यार, क्या हुआ? हाँ वही तो मैं आपको बोल रहा था, बैठ जाओ इसके साथ, आपको छोड़ देंगे, हम आपकी बाइक लेके आते हैं, हम आपकी बाइक लेके आते हैं पीछे से। चलो भाई आप बाइक चलाओ, ये वाली R15 ना, हम इनको लेके आते हैं।